हेलो एवरीवन, दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनांसियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिस्क देख लेते हैं कि क्या रिस्क है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। उसके पोर्टफोलियो में जाके हम ये देख लेते हैं कि उस पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन सा स्टॉक्स है, क्या उस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ तो नहीं है वैसे स्टॉक्स में। और अगर स्टॉक्स अच्छे होते हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैटिस्टिक्स होता है उनका, तो हम वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि वहां तो स्टॉक्स होता नहीं है कि हम पोर्टफोलियो में जाकर स्टॉक्स का रिसर्च करें। बहुत इजीली हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये डेप्ट म्यूचुअल फंड वाकई में हमारे लिए सही है कि नहीं। देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि हम डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क नहीं है, रिस्क ना के बराबर है और रिस्क एकदम कम है, लेकिन गलत सोच है। अगर आप डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पे रिस्क है। दो रिस्क मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, दो रिस्क है, एक इंटरेस्ट रेट का रिस्क और एक क्रेडिट रिस्क। देखो, इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो तो चलो ऊपर नीचे होते रहेगा, आपका जो रिटर्न है उसमें ऊपर नीचे परसेंटेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है वाकई में ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ध्यान दिए, इस पे रिसर्च नहीं किए, तो हो सकता है आपका आने वाले टाइम में डेप्ट में जो पैसा लगा हुआ, डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ, उसमें नुकसान हो जाए। अब आज जो मैं बात करूंगा, एग्जैक्टली आप कैसे एक अच्छे डेप्ट म्यूचुअल फंड को पहचाने, क्या आप अगर पैसा लगा रहे हैं किसी डेप्ट म्यूचुअल फंड में तो वो कितना सिक्योर है आपके लिए, ये कैसे जाने, आज मैं बताऊंगा। देखो, मैं बहुत सिंपल तरीका लेके आया हूं, मैं जो बताऊंगा इतना सिंपल तरीका आपके सामने लेके आया हूं कि आप इजिली किसी भी डेप्ट म्यूचुअल फंड को पहचान सकते हो। देखो, डेप्ट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है कैसे कैसे फंड में होता है। अब देखो, डेप्ट म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कहाँ आपका पैसा लगता है। देखो, आपका पैसा बॉन्ड्स में लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट पेपर जो होते हैं, यहाँ पे पैसा आपका लगता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो आप डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो वो पैसा कौन कौन से बॉन्ड में लग रहा है, कौन कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, और क्या वो बॉन्ड सिक्योर है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी का कैसे पता चलेगा कि जिस बॉन्ड में पैसा लग रहा है वो कितना सिक्योर है, तो हम उसको रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहचानेंगे। इंडिया में बहुत ऐसी रेटिंग एजेंसी हैं जो ऐसे बॉन्ड्स को, ऐसे कॉर्पोरेट पेपर्स या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, इसको रेटिंग देती है, और रेटिंग के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये डेप्ट म्यूचुअल फंड सिक्योर है कि नहीं। अब ये आप सोचोगे, आपके माइंड में दो चीज़ यहाँ पे आ रहा होगा कि रेटिंग कैसे पहचाने और क्या हमें उस डेप्ट म्यूचुअल फंड के जो भी पोर्टफोलियो में, मतलब जहाँ जहाँ पैसा लगा हुआ है, वो सारे बॉन्ड को चेक करना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो जितने भी बॉन्ड है, जहाँ जहाँ पैसा लग रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका रेटिंग कैसा है। लेकिन अब रेटिंग पहचाने हुए कैसे, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूँ कि रेटिंग, जो इंडिया में रेटिंग एजेंसी हैं, वो रेटिंग कैसे डिफाइन करती है, कैसे हम पहचाने कि इस रेटिंग में अगर आ रहा है तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड, एक अच्छा बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जो इंडियन रेटिंग एजेंसीज हैं वो रेटिंग देती हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हाई, मीडियम एंड लोअर। हाई का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी हाई है, मतलब अच्छे यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, ये जो रेटिंग्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। मीडियम, जो ये रेटिंग है ये थोड़ा मीडियम लेवल का है, मतलब थोड़ा सा इसमें रिस्क हल्का इंक्रीज होता है कंपेयर टू जो हाई है। अगर लोअर यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो लोअर पॉइंट पे मैंने लोअर लेवल में यहाँ पे डिफाइन किया है, ये हाई रिस्क वाले, क्वालिटी जो है बहुत लो है। तो ऐसे ऐसे रेटिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हाई क्वालिटी वाले रेटिंग है वो आपके सामने है, ट्रिपल ए की रेटिंग है, AA1 की रेटिंग है, डबल ए प्लस का रेटिंग है, यहाँ पे AA3 का रेटिंग है, AA- का रेटिंग है, और AA का रेटिंग है। ये जो है हाई क्वालिटी वाली रेटिंग है। इट मीन्स कि अगर किसी बॉन्ड में या कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें ये रेटिंग मिला हुआ, इट मीन्स कि आपका पैसा कहीं हद तक ज़्यादा सेफ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर मान लो मीडियम, यहाँ पे मीडियम ग्रेड की बात करें, जो इट मीन्स कि आपका थोड़ा पैसा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू जो हाई ग्रेड वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा सेफ है। तो ये ग्रेड आप देख सकते हो A1, A2, A3, इधर देख सकते हो A+, A और A-, ये
एक रेटिंग एजेंसीज का, ये रेटिंग देने का ये एक ग्रेड है। वहीं पे अगर आप सबसे लोअर में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा रिस्की वाले ये बॉन्ड्स होते हैं जिसमें ऐसे रेटिंग मिले होते हैं। आप देख सकते हो BAA1, BAA2, BAA3, BBB+ और BBB एंड BBB-। ये एक ऐसा रेटिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आप ये समझ गए कि रेटिंग क्या, जो ये ग्रेड है इस ग्रेड में कितना ज़्यादा रिस्क होता है, हाई, मीडियम एंड लोअर। लेकिन देखो अगर एक सिंपल तरीका बताऊं, देखो आपको अगर इतना फंडा समझ में नहीं आता तो किस में पैसा लगाना है और किस में पैसा नहीं लगाना है, हम दो तरीके से समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो दो, यहाँ पे जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, जो ग्रीन एरो देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब अगर ऐसे ऐसे ग्रेड हैं, ऐसे ऐसे रेटिंग मिले हुए हैं हमारे बॉन्ड्स को, तो हम पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जो एक आप रेड एरो देख रहे हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि जो ऐसे ग्रेड और ऐसी रेटिंग्स के बॉन्ड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि रेटिंग एजेंसी कैसे रेट करती हैं, और अगर अच्छे हाई क्वालिटी वाले जो रेटिंग हैं वो आपको पता चल गया होगा कि क्या है। यहाँ AAA का जो रेटिंग है वो हाई क्वालिटी की है। तो हम जब भी पैसा लगाने जाएंगे डेप्ट म्यूचुअल फंड में, तो हम रेटिंग तो ज़रूर देखेंगे, उसके पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, कौन कौन से बॉन्ड में लगा हुआ है, हम ये रेटिंग ज़रूर देखेंगे। अब आपसे सोच रहे होगे कि चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया कि हाँ भाई रेटिंग का क्या फंडा है, अगर AAA ग्रेड का हो रेटिंग तो अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हम देखें कहाँ से, कहाँ से देखें? देखो बहुत ऐसी रेटिंग एजेंसी है, जैसे आप जानते हो वाकई में इकरा की बात कर सकते हो, यहाँ पे क्रेसल की बात कर सकते हो, वैल्यू रिसर्च, यहाँ पे बहुत ऐसे साइट है जहाँ पे आप अपना रिसर्च कर सकते हो। लेकिन मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल तरीका। आप मनी कंट्रोल के साइट पे जाएं, वहाँ पे जिस भी डेप्ट म्यूचुअल फंड को आपको सर्च करना है या जानना है उसके बारे में सर्च करें, स्क्रोल डाउन करके नीचे आएँ, आपको एक डिटेल दिखेगा, पोर्टफोलियो इन डिटेल, वहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डेप्ट म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट है, किस किस बॉन्ड में पैसा लगा हुआ है, और उसके साथ ही आप उसी वहीं पे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी ने कितना रेटिंग ऐसे म्यूचुअल फंड को दिया है, ऐसे डेप्ट म्यूचुअल फंड को दिया है, और ईजिली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा डेप्ट म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका मैं समझाता हूँ, मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ, दो ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका रेटिंग अच्छा है, एक ऐसा रेटिंग जिसका AAA रेटिंग के बराबर है, और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो रिस्की है। अब दोनों का पोर्टफोलियो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम किसका रेटिंग देखेंगे, एक ऐसा म्यूचुअल फंड, एक ऐसा डेप्ट म्यूचुअल फंड जिसका रेटिंग देखें तो AAA रेटिंग है। तो चलिए उसके पोर्टफोलियो में देखते हैं कि जो बॉन्ड में इन्वेस्ट है उसका रेटिंग कैसा है। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड ले रहा वो ले रहा हूँ L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, एग्जैक्टली L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। और उसके बाद जिस म्यूचुअल फंड का मैं एग्जांपल लूँगा वो मैं लूँगा फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान का। ये दो म्यूचुअल फंड का हम पोर्टफोलियो देखेंगे और फिर यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा डेप्ट म्यूचुअल फंड ज़्यादा सिक्योर है। तो आपके सामने देख सकते हो L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का ये पूरा पोर्टफोलियो डिटेल है। यहाँ पे देख सकते हो AAA रेटिंग है, ऐसे फंड में आप देख सकते हो जो पोर्टफोलियो का जो बॉन्ड है उसमें आप देख सकते हो कि AAA रेटिंग है, जो क्राइसल का रेटिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से बॉन्ड का यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे ठीक आपके सामने कौन से बॉन्ड को कितना रेटिंग मिला हुआ है यहाँ पे पूरा मेंशन है। तो आप कहीं भी, आपको ऐसे बॉन्ड्स में जो L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है इसके पूरे पोर्टफोलियो में कहीं भी आपके जो रेटिंग ग्रेड है जो वो कम नहीं दिखेगा, AAA रेटिंग ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कोई भी बॉन्ड उठा के देख लो, सारे में आपको यहाँ पे AAA रेटिंग दिख रहा है। इट मीन्स कि ये वाकई में क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे यहाँ पे बॉन्ड है और ये डेप्ट म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। आप यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में, मैं आपको इसलिए स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि सारे पोर्टफोलियो में जितने भी बॉन्ड हैं उसका जो रेटिंग है वो AAA से नीचे है ही नहीं, और ये एक पॉजिटिव साइन है। ये एक बॉन्ड के लिए जो इस डेप्ट म्यूचुअल फंड का है ये एक पॉजिटिव साइन है, और ये एक L&T शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का ये पोर्टफोलियो है। चलिए आगे जो हम देखते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड का, हम फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान का हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे कि उसका ग्रेड कैसा है।
ठीक आपके सामने फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान का यहाँ पोर्टफोलियो है, मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो इसमें ट्रिपल ए का रेटिंग तो नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे रेटिंग है जिसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी दिख रहा है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ट्रिपल ए रेटिंग का जो सिक्योरिटी है यहाँ, द सेंस कि आपका पैसा सेफ है, यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एल ए प्लस ए प्लस, यहाँ पे आपको जो है बहुत ही रिस्की जो बॉन्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रिपल बी का भी रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डी ग्रेड का भी जो है रेटिंग वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो वाकई में जो डी ग्रेड का जो रेटिंग होता है वो सबसे वीक होता है। इट मीन्स कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है और जिस बॉन्ड में ये ग्रेड है वाकई में वो डिफॉल्टर हो सकता है। यहाँ पे जो आप ग्रेड देख रहे हो, जो रेटिंग का जो ग्रेड है, आप वाकई में देख सकते हो जो एल ए प्लस है, यहाँ ए प्लस है, और ये देखो जो है केयर डी का, जो यहाँ पे केयर डी का है, रिलायंस का जो यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो केयर डी का है, इट मीन्स कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऐसे बॉन्ड में पैसा लगाना वाकई में नुकसान का सौदा है। यहाँ देखो एक और ये देख सकते हो कि डी ग्रेड का यहाँ पे जो रेटिंग है आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक डेप्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसका पोर्टफोलियो में ट्रिपल ए रेटिंग के बॉन्ड्स हैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर यहाँ पे उससे कहीं नीचे अगर मान लो होता है तो थोड़ा सा अनसिक्योरिटी होता है, या अगर डी ग्रेड का है तो बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर है। इसलिए मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाया कि एक जो सिक्योर बहुत ज़्यादा आपका पैसा सुरक्षित है जिसमें आपका पैसा लग रहा है, और एक थोड़ा सा रिस्की जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है आपके सामने यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो रखा है। तो आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख लिया, अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे देखा जाता है किसी डेप्ट म्यूचुअल फंड का कितना ज़्यादा रिस्क है। ईजिली आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पोर्टफोलियो में जाएं, चेक करें कि जो बॉन्ड में पैसा लग रहा है उसका रेटिंग कैसा है। अगर रेटिंग अच्छा है तो आप पैसा ऐसे डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आया था, मैं अगर चाहता तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा सिंपल तरीका आपके सामने लेके आया कि मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के व्यूअर्स हो, जो इनिशियल लेवल के हों, जो जो ऑलरेडी नॉलेजेबल यहाँ पे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी हो, बहुत ईजी तरीके से अगर वो समझ जाए तो उनके लिए सही होगा। एक डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कई लोग ये समझते हैं कि रिस्क नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसे रिसर्च करके अगर किसी डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर गारंटी के साथ बोलता हूँ कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा आप मिनिमाइज कर लोगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आए और अपना क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।